नमस्कार अभ्यर्थियों, कंप्यूटर अनुदेशन भर्ती परीक्षा को लेके बड़ी खबर। कंप्यूटर वालों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कंप्यूटर अनुदेशन भर्ती परीक्षा की एग्जाम संपन्न हो चुकी है और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अभ्यर्थियों को खुश कर देने वाली खबर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, पास मार्किंग का जो 40% का क्रिटेरिया जो रखा गया था वो अब ख़त्म होने वाला है। सभी अभ्यर्थी जो है पास होने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही बड़ी खबर आई है कंप्यूटर अनुदेशन भर्ती को लेके। तो चलिए वीडियो शुरू करें। उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कंप्यूटर अनुदेशन भर्ती से जुड़ी पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही पास में बेल घंटे के निशान को दबा के और नोटिफिकेशन को ऑन करने के साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जी हाँ साथियों, देख सकते हैं भारत बेनीवाल ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए स्पष्ट रूप से बताया है कि कंप्यूटर अनुदेशन भर्ती मिनिमम 40% मार्क को लेकर बहुत से कॉल मैसेज आ रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बोर्ड चेयरमैन कार्मिक और शिक्षा विभाग में भी बात हुई है, यानी कि बातचीत जो है अभी जारी है। भर्ती नियम 40 मिनिमम मार्क का है, परंतु अगर सीट खाली जाती है तो विभाग जो है नियम संशोधन का प्रस्ताव दे सकता है, यानी कि प्रयास है कि सीट खाली नहीं जाए। तो इसी बीच अगर 40% अभ्यर्थियों को पहले पास किया जाएगा, लेकिन जब आंकड़ा तैयार होगा कि कितने अभ्यर्थियों के 40% यहां पे पास मार्किंग आ रहे हैं, अगर उसके बाद भी अगर सीट खाली बचती है तो उस स्थिति में यहां पे जो है ये 40% पास मार्किंग का जो सिस्टम है इसे यहां पे हटा दिया जाएगा, यानी कि इसमें संशोधन कर दिया जाएगा और उसके बाद क्रिटेरिया घट के 35% या 30% या 25% जितने तक भी पूरी सीट कवर होती है ये 20% तक जा सकता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पे निकल के आई है कंप्यूटर अनुदेशन भर्ती परीक्षा को लेके। 40% का जो सिस्टम था ये अब ख़त्म हो सकता है। तो आप भी क्या चाहते हैं कि 40% का सिस्टम ख़त्म हो या नहीं हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अनुदेशन भर्ती से जुड़ी पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।